हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इफ एक्स एंड वाई बी टू रियल वेरिएबल सच डेट एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वन देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई तो हमें एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बतानी है स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा हम जानते हैं कि फॉर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स एफ एक्ट के क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जो एफ डैश एक्स है उसे हमें जीरो पुट करना पड़ता है ठीक है तो उसके बाद देखो हम एक बार के लिए लेट करते हैं लेट एफ एक्स हमारे एक फंक्शन है एक्स प्लस वाई इसके हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है और क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स वाई का वैल्यू वन है तो अगर एक्स वाई वन है तो यहां से अगर हम वाई का वैल्यू उठा के रख दें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस में वाई का वैल्यू लिखा जा सकता है में एक्स इस तरीके से लिखा जा सकता है अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए जीरो तो एफ डैश एक्स जीरो करते हैं तो पहले तो देखो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम इधर से तो एफ डैश एक्स अगर लिखेंगे ना तो क्या आएगा देखो x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में वन प्लस में वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है इसका मतलब है वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो जिसका मतलब है वन अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन के इक्वल आएगा और एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी वन बन जाएगा जिसका मतलब है एक्स के दो वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस वन ऑलरेडी बोला हुआ है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का वैल्यू जब ग्रेटर देन है वन नॉट पॉसिबल एक्स इज इक्वल टू माइनस वन नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव है यानी एक्स इज इक्वल टू वन आएगा अब देख लेते हैं कि इस पर हमें मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी ना तो उसको चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो यहां से देखो एफ डैश एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा और वन का डिफरेंसिएशन जीरो माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है यानी एक्स रेस टू पॉल माइनस टू टाइप टाइम है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस टू अपॉन में एक्स क्यूब तो माइनस टू आ जाएगा और अपॉन में एक्स क्यूब बन जाएगा यानी यह बन गया टू अपॉन में एक्स क्यूब ठीक है तो अगर हम एफ डबल डैश वन निकालेंगे तो इसका वैल्यू देखो क्या आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा टू अपॉन में वन का क्यूब यानी कि टू विच इज ग्रेटर देन जीरो तो अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या देगा मिनिमा दे देगा यानी x इज इक्वल टू वन पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो हम बोल सकते हैं fx का जो मिनिमम वैल्यू है वो देखो क्या बनने वाला है एफ एक्स क्या था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो एक्स की जगह पे वन रख दो वन प्लस वन अपॉइन वन यानी रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा टू एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू टू हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक